बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की कथित गुप्त विदेश यात्राओं पर टिप्पणी की है। बीजेपी नेता ने कहा है कि राहुल गांधी मुझे मानसिक रूप से गड़बड़ लगते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी हर 2-3 महीने में अज्ञात रूप से विदेश जाते हैं। उसके बाद जब वो विदेश से आते हैं तो थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। वे बहुत समय से विदेश नहीं गए हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा गुप्त होती है। राहुल गांधी की ओर से लगातार किए जा रहे सवालों पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी बहुत दिनों से विदेश नहीं गए हैं, इसलिए फ्रेश नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। राहुल के सवालों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने कहा था कि चीन पीएम मोदी की 56 इंच की छवि पर हमला कर रहा है। राहुल ने कहा था कि चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मजबूत राजनीतिज्ञ बने रहना मजबूरी है। पीएम मोदी को अपनी 56 इंची छवि की रक्षा करनी होगी, यही असली आइडिया है। इसलिए चीन कह रहा है कि हम जो चाहते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि वाले आइडिया को खत्म कर देंगे। रविवार को राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना संक्रमण हो, जीडीपी के आंकड़े हो या फिर गलवान में चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत कर दिया है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।